क्लास सिक्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स। प्रश्न नंबर सिक्स ध्यान से समझे। प्रश्न नंबर सिक्स क्रमानुसार सात संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। तो इसका आंसर होगा मतलब संख्याएं क्रम से होनी चाहिए और बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो कौन सी है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। 97 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो गया ऐसी क्रमानुसार सात संख्या है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। उसके बाद से आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर सेवन कह रहा है से आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा से आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो लिखेंगे 1 विषम और 1 सम। संख्याएं से अभाज्य होती है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या या जिनका मासा एक है। जिनका मासा नहीं एलसीएम, मासा तुमने पढ़ा है पिछली कक्षा में, वो एचसीएफ पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। जिसका आंसर एक आएगा उसको हम कहते हैं से अभाज्य संख्याएं। क्या से अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होती है। तो हम लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे नहीं। बस ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 हम बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है। दो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 10 और 70 के बीच की सभी दो अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए दो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके क्रम से संख्याएं क्रम से हो और दोनों
अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो, क्रम से हो। जैसे देखो ऊपर अभाज्य संख्या लिखी है, इसी से हम समझा रहे हैं, तुम लोग भी ध्यान दीजिए। जैसे ये तीन और पांच, तीन और पांच ये दो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके बीच में देखो ये फोर ये जो है थ्री फोर फाइव, इसके इसके बीच में मध्य में जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो देखेंगे हम पहले उदाहरण ये समझ लीजिए, दो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, क्रम से संख्याओं और उसके बीच की संख्या सम संख्या हो। तो देखिए पहले होगा तीन पांच, उसके बाद में पांच और सात, इसके बीच में एक है छह, पांच और सात, उसके बाद में लेकिन पूछ रहा दस और सत्तर, ये दस से छोटे के बीच की है लेकिन पूछता है दस और सत्तर, तो इसमें समझ में आ गया होगा जो ये हमने बताया है। तो दस से देखिए ये संख्या ग्यारह और तेरह, इसके बीच में दस है, यानी ग्यारह और तेरह, उसके बाद में ये संख्या नहीं होगी क्योंकि इसके बीच में दो नंबर है, चौदह और पंद्रह सोलह तीन है, ये होगी सत्रह और उन्नीस, इसके बीच में एक भाज्य संख्या है सत्रह और उन्नीस, उसके बाद में इसके बीच में एक भाज्य संख्या है तीस, तो यहां लिखेंगे तेईस और उन्तीस, उसके बाद में अरे गलत हो गया क्या, उन्तीस और इकतीस, 29 और 31, उसके बाद में ये नंबर है इसके बीच में 42 है, 41 और 43, उसके बाद में ये नंबर है 53 नहीं ये नंबर है 59 61, इसके बीच में 60 है, 59 और 61, ये दो दो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद में ये नंबर है 71 73, लेकिन ये 70 से बड़ा है, इसमें पूछता है केवल 70 तक, अगर 100 तक पूछता तो ये भी नंबर नोट करते। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 चार और छह से अभाज्य संख्या है नहीं, यदि नहीं तो क्यों, तो लिखेंगे चार व छः से अभाज्य संख्याएं, नहीं है,
क्योंकि दोनों सम संख्या है, और उनका मासा पा दो है। प्रश्न नंबर टेन कह रहा है 1, 3, 7, 9, 15, 17, 39, 35, 47, 49 में सेवा संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाइए जिनमें पहली संख्या 10 से कम तथा दूसरी संख्या 10 से अधिक हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, देखिए पहली संख्या 10 से कम और दूसरी संख्या 10 से अधिक। तो देखिए पहला जोड़ा बनेगा 3 के साथ में, पहले देख लो, थ्री के साथ में 17 आ जाएगा क्योंकि पहली संख्या 10 से छोटी और दूसरी संख्या 10 से बड़ी। सेकेंड होगा 3 के साथ में 3 और 39, 3 से कट जाएगा, फिर होगा 3 और 35, अगला होगा 3, 35, उसके बाद में होगा 3 और 37, 3 और 37, उसके बाद में 3 और 49, 3 और 49। अब 7 के साथ में देख लीजिए, 7 के साथ में कौन सी पहली संख्या 10 से छोटी, 7, और 7 के साथ में 15, 7 के साथ में 15। फिर 7 के साथ में 39, 7 के साथ में 39, 35 7 से कट जाएगा, फिर 7 के साथ में 47, 7 के साथ में 47, और 49 7 से कट जाएगा। फिर 9 के साथ में देख लीजिए, 9 के साथ में 9, 9 के साथ में 17 आएगा, 9 के साथ में कौन सा नंबर होगा 17, 39, 35, कौन सा होगा 35। फिर 9 के साथ में
47 फिर क्या होगा अगला 9 के साथ में 49 ये नंबर होंगे। 3 के साथ में देखो पहला नंबर 10 से छोटा दूसरा 10 से बड़ा, पहला 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 10 से छोटा दूसरा 10 से बड़ा। इसमें भी इसी प्रकार से इसको हल करके दिखाएं।